नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए, हम लोग कैपिटल गेन्स डिस्कस कर रहे थे। आज आपका लेक्चर 6 में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार देख लेते हैं कि ये वीडियोस किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। यूजफुल फॉर बीकॉम, बीबीए, डीयू, एसओएल के स्टूडेंट्स, रेगुलर्स, एनसी वेब, ये सभी बच्चों के लिए उतना ही रेलेवेंट वीडियोज है। तो आइए शुरू करें। इनकम टैक्स विद सुमंत कुमार। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टुडेज टॉपिक क्या, एक बार फटाफट देख लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5। सो मैंने यहां लिखा जैसे कि यूजफुल फॉर बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, यूजीसी नेट, इन सब के लिए ही ये वीडियोस रेलेवेंट है। तो आप इन वीडियोस को और लोगों को भी रेफर कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करें। ये था मेरा पेज नंबर 44, लेक्चर 6 का पेज नंबर 1। पेज नंबर 45, लेक्चर 6, पेज नंबर 2। चलिए, तो टॉपिक हमने जैसा कि डिस्कस किया, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। सर, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मतलब क्या हुआ, ये नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। कंपलसरी एक्विजिशन मतलब गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो उसमें आपके पास कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं, आप तो उस चीज को रेस्ट्रिक्ट नहीं, मना नहीं कर सकते, आपके हाथ में वो पावर नहीं है। इट मीन्स गवर्नमेंट आपसे कंपलसरीली भी अक्वायर कर सकती है किसी प्रोजेक्ट के लिए। ये छोटा सा, मैंने देख, आप लोगों को पता है मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल मान लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर श्याम नाम का ये व्यक्ति है, इसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है गाजियाबाद में, जिला गाजियाबाद, बहुत डेंजर जगह है, आपको पता ही है, बट स्टिल मैं थोड़ा मजाक में इस बातें करता रहता हूं। हाँ जी, तो सपोज अब इस गाजियाबाद में यूपी गवर्नमेंट को कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू करना था, तो इसको मैंने बोला ये मेट्रो का प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये मेट्रो का प्रोजेक्ट है। और मिस्टर राम का ये पहले से यहाँ पे एक घर सिचुएटेड था, एक हाउस था। अब ये उसका हाउस उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आ रहा है, तो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर श्याम का घर गवर्नमेंट को कंपलसरी एक्वायर करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट से क्या मिलेगा श्याम को? गवर्नमेंट से श्याम को मुआवजा मिलेगा। उस मुआवजा को हम लोग कॉम्पनसेशन बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ जी सर, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करते हैं, जल्दी से आप सब लोग मेरे साथ नोट कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके, आई एम वेटिंग, वीडियो को पॉज करके और इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसको हम फटाफट जल्दी से नोट कीजिएगा, मैं जब तक होल्ड ऑन पे हूं, मैं रुका हुआ हूं। चलिए, सो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या, एक बार जल्दी से देखते हैं। टॉपिक आपको पता ही है, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। पहला पॉइंट नंबर 1, इफ कैपिटल एसेट इज कंपलसरी एक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, इट इज आल्सो रिगार्डेड एज ट्रांसफर और सेल। तो अगर गवर्नमेंट आपके एसेट्स एक्वायर कर रही है तो उस दिन भी आपका एसेट ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि आपके हाथ से उस मकान का पोजीशन जा रहा है ना, तो उसको आप यहां पे ट्रांसफर ही बोलोगे या सेल ही मानोगे, जैसा हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। एक बात और, जिसको ये 6 वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मेरी पीछे के 5 वीडियो देखिएगा, तभी आप इससे लिंक बिठा पाएंगे। चलिए, सो जल्दी से देखते हैं। अब एंड पर्सन विल रिसीव कंपनसेशन, जैसा हमने यहां एग्जांपल में लिया था मिस्टर श्याम। सो मिस्टर श्याम का जो घर है वो मेट्रो प्रोजेक्ट के अंडर आ गया है, तो मिस्टर श्याम को क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो यहां हमने लिखा भी है नोट्स में। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। बट टैक्सेबिलिटी विल अराइज ओनली आफ्टर सच अमाउंट इज रिसीव्ड। टैक्सेबिलिटी कब अराइज होगी आपकी? व्हेन सच अमाउंट इज रिसीव्ड। जिस ईयर में आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा उस साल आपकी टैक्सेबिलिटी, यानी टैक्स आपको उस साल देना पड़ेगा। इवन आपको पार्टली पैसा मिल जाए या फुल्ली मिल जाए, पार्टली और फुल्ली का मतलब समझते होंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर राम को 50 लाख रुपए मिलना था, इस 50 लाख में आपको मान लीजिए पहली किस्त गवर्नमेंट ने दे दी है, 40 लाख दे दी आपको, और 10 लाख रुपए आपका बकाया है वो बाद में गवर्नमेंट देगी। तो 40 लाख भी अगर आपको मिल गया, पार्टली पैसा भी मिल गया, फिर भी आपका टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट 2 भी समझ आ गया। चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 पे पेज नंबर 47, इधर लेक्चर 6 का पेज नंबर 3, पॉइंट 3। हियर फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होगा? फुल वैल्यू कंसिडरेशन आप लोगों को पता होगा, जो किसी प्रॉपर्टी को सेल करने से जो हमें मिलता है अमाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं? फुल वैल्यू कंसिडरेशन, या फिर सेल करने से जो आपको अमाउंट मिलता है। कॉम्पनसेशन रिसीव्ड, जिसको हम यहाँ पे कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बोलेंगे, इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है, शुद्ध देसी भाषा में भी लिखा है,
जितना गवर्नमेंट से हमें कॉम्पनसेशन मिलेगा वही हमारा फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगा। पॉइंट नंबर फोर, होल्डिंग पीरियड विल बी कैलकुलेटेड टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर। होल्डिंग पीरियड कैसे निकालेंगे, कब तक का निकालेंगे? होल्डिंग पीरियड विल बी कैलकुलेटेड टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर यानी जिस दिन आपका गवर्नमेंट ने आपका एसेट, आपकी कैपिटल एसेट कंपल्सरी अक्वायर कर ली, उस दिन तक का आप होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करोगे। होल्डिंग पीरियड क्या है आप सबको बहुत अच्छे से पता है, हमने पिछले वीडियोस में काफी डिटेल में बात की है इनके बारे में। पॉइंट नंबर फिफ्थ देखते हैं, इंडेक्सेशन विल बी डन ओनली अप टू द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। इंडेक्सेशन कब तक का होगा? अप टू द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, जिस दिन तक आपका कंपल्सरी अक्वायर हो रहा है एसेट्स, उस दिन तक का हम इंडेक्सेशन लेंगे। चलिए पॉइंट नंबर फिफ्थ हो गया, अब हम आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे देखते हैं इनहांस्ड कंपनसेशन, एक पॉइंट आ रहा है। फाइव पॉइंट तो आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट होगा। छठे पॉइंट में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। ये इनहांस्ड कंपनसेशन क्या है, इसका एक और नाम है एडिशनल कॉम्पनसेशन। एडिशनल कॉम्पनसेशन सर ये क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है। इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है, मुकदमे के बाद बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति। मान लीजिए कि आप मिस्टर श्याम का जो घर था उससे गवर्नमेंट उनको 50 लाख रुपए दे रही थी, ये देखिए मैंने सब कुछ यहाँ चार्ट में बनाया है, बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया सा डायग्राम। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है मेरा, आप सबको पता ही है मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल एग्जाम्पल मैंने लिया। ये मिस्टर श्याम है, इनको 50 लाख रुपए मिले गवर्नमेंट, जो मेट्रो प्रोजेक्ट था यूपी गवर्नमेंट का, और इनका घर आपको पता ही है कि जिला गाजियाबाद में है, जिला गाजियाबाद में इनका घर आ रहा था। अब क्या हुआ कि इनके घर को गवर्नमेंट को हटाना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में आ रहा है, बट श्याम वॉज नॉट हैप्पी विथ कॉम्पनसेशन अमाउंट। श्याम इस 50 लाख से खुश नहीं है क्योंकि यहां उन्होंने सर्किल रेट पता किया औरों से पता किया और लोगों को भी कॉम्पनसेशन मिला होगा जो आसपास पड़ोसी थे, तो उनको पता चला कि इनको कम अमाउंट मिली है और इसके लिए क्या कर दिया इन्होंने मुकदमा कर दिया। ये जो है ना मुकदमे के बाद क्षतिपूर्ति, तो मुकदमे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केस बोलते हैं, या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं सूट कर दिया। वो गोली वाला सूट नहीं कर दिया, SUIT, सूट कर दिया आप ऐसे बोल सकते हैं। सो मिस्टर श्याम जो कि ट्रांसफरर थे, जिनकी प्रॉपर्टी जा रही थी, 50 लाख से खुश नहीं थे और उन्होंने केस फाइल कर दिया, जिसको हम बोलते हैं सूट कर दिया या सूट कर दिया अगेंस्ट कॉम्पनसेशन अमाउंट। जो 50 लाख रुपए मिल रहे थे इसके खिलाफ इन्होंने कॉम्पनसेशन कर दिया एंड वॉन द केस, और केस जीत गए। 2 साल बाद इनको 65 लाख रुपए मिले। तो इनहांस कॉम्पनसेशन कितना हो गया यहाँ पे, देखिए 50 लाख तो पहले मिल रहा था और 65 लाख रुपए बाद में कोर्ट के केस के आने के बाद मिला है, तो ये 15 लाख रुपए क्या हुआ आपका, ये 15 लाख रुपए आपका इनहांस कॉम्पनसेशन। इसको मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको एडिशनल कॉम्पनसेशन भी बोलते हैं, ठीक है सर। अच्छा ये टैक्सेबल किस हेड में होगा, तो जल्दी से यहां देख लेते हैं। स्टार में मैंने बना रखा है, इसको लिख रखा है मैंने स्पेशल नोट। ये स्पेशल नोट इसलिए लिखा है क्योंकि आगे एक क्वेश्चन में मैंने यहां से लिंक बिठाया है, मैंने यहां स्टार भी लगाया और स्पेशल नोट लिखा हुआ है, तो ये आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उस समय आपके काम आने वाला है, ठीक है सर। फुल्ली टैक्सेबल होगा ये 15 लाख रुपए इन अंडर द हेड कैपिटल गेन। इनहांस्ड कॉम्पनसेशन का जो अमाउंट मिलेगा वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये तो पता होगा आपको, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है। COI मींस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, COA मींस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहां पे क्या आएगा, ये निल आएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विल बी निल बिकॉज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम इनिशियल कॉम्पनसेशन। जो इनिशियल कॉम्पनसेशन होगा उससे ऑलरेडी मिल गया होगा आपको, ऑलरेडी आपने वहां पर डिडक्ट कर लिया होगा, तो यहां पे हम इनहांस्ड कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो इसमें ये COI और COA की कोई जरूरत ही नहीं है, ये पॉइंट इररिलेवेंट है यहाँ पे, आप ऐसे समझ लीजिए। चलिए अगले पेज पे आते हैं। आज थोड़ा सा थियोरेटिकल है, आप लोग बोर हो रहे होंगे, बट बोर बिल्कुल नहीं होना है, इस पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे और मैंने पूरी कोशिश की है ये चार्ट बना के और श्याम का और थोड़ी अपनी गंदी ड्रॉइंग बना के आप सबको समझाने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेंस वी कैन डिड्यूस, हम यहाँ पे डिड्यूस कर सकते हैं कि टू टाइप्स ऑफ कॉम्पनसेशन होता है। कॉम्पनसेशन टू टाइप्स का होता है, कौन कौन सा होता है एक बार जल्दी से देख ले। हाँ सर, पहला होता है इनिशियल कॉम्पनसेशन
और उस इनिशियल कॉम्पनसेशन से आप खुश नहीं होते हैं, आप केस कर देते हैं, तो उसके बाद जो कॉम्पनसेशन मिलता है उसको हम यहाँ बोल रहे हैं इनहांस्ड कॉम्पनसेशन, जिसको मैंने बोला एडिशनल कॉम्पनसेशन भी बोल देते हैं। एडिशनल कॉम्पनसेशन जो हमारे पीछे श्याम वाले एग्जाम्पल में 15 लाख क्या था, एडिशनल कॉम्पनसेशन था, क्योंकि 65 लाख रुपए बाद में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और 50 लाख रुपए आपको इनिशियली गवर्नमेंट दे रही थी, इसके बीच का जो डिफरेंस था वो एडिशनल या इनहांस्ड कॉम्पनसेशन है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। आगे अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 51 कैपिटल गेन, पेज नंबर 51 लेक्चर 6 का पेज नंबर 7 नोट्स कंटिन्यूड। अब तक हमने 6 नोट्स देख लिए, नोट नंबर 7 आज पूरा वीडियो थियोरेटिकली होगा, इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगले वीडियो में दूंगा ताकि बहुत ज्यादा यू नो खिचड़ी ना पके, आप लोग बोर ना हो, इसलिए मैं इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो, और वीडियो लंबा भी बहुत हो जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियोस रखेंगे और फिर हम उससे अच्छी तरीके से चीजों को इफेक्टिव वे में कर पाएंगे। ठीक है सर, नोट नंबर 7 देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिलेड कॉम्पनसेशन विल बी टैक्सेबल अंडर IOS। कहता है जो आपको डिलेड कॉम्पनसेशन मिलता है, मान लीजिए कि आपको कॉम्पनसेशन मिला था सन 2020 में या 2020 में, और आपको मिला मान लीजिए 2023 या 24 में, तो आपको ये डिलेड कॉम्पनसेशन 2 या 3 साल गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेशन लेट दे रही है, तो इसके बदले में वो आपको ब्याज भी देगी, वो आपको ब्याज देगी जो IOS में टैक्सेबल होगा। IOS कौन सा होता है, हमारा 5th हेड होता है, इसके बाद हम लोग IOS डिस्कस करेंगे, तो उसपे आपको 50% का डिडक्शन मिलेगा। यहां मैंने हिंदी में भी उसी बात को लिखा है, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा मुझे पूरी उम्मीद है। अगले पेज पर चलते हैं। अच्छा, मैंने इसको समझा भी रखा है, यहां अगले पेज पे मैंने समझा भी रखा है इसी को। मान लीजिए कि आपको 5 लाख रुपए, अच्छा एक बार पूरा ही आपको देखना पड़ेगा पिछला पेज तभी समझ में आएगा। देखिए जैसे वो श्याम वाला एग्जांपल कि श्याम को कॉम्पनसेशन 2019 में ना मिलकर 1 साल बाद 2020 में मिला, तो उस बंदे को 1 साल कॉम्पनसेशन लेट मिला, तो 50 लाख रुपए मान लीजिए उसको मिलना था और उसको 1 साल बाद मिला है, तो उस 1 साल पे गवर्नमेंट ने उसको 10% की रेट से ब्याज दिया है, क्योंकि भाई आप लेट कर रहे हो तो 1 साल किसी का पैसा फंसा हुआ है 50 लाख रुपए, उस पे आपको ब्याज देना है। मान लीजिए 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 50 लाख का 10% कितना हो गया, 5 लाख रुपए। इसी को मैंने यहां दिखाया है, अगर 5 लाख रुपए मिला है, हाँ 5 लाख रुपए आपको मिला है टोटल, इसका 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगा, तो यानी 2.5 लाख रुपए आपको डिडक्शन मिलेगी और रिमेनिंग अमाउंट 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वही पिछले पेज का यहां मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया है। ठीक है सर, एक पॉइंट और देखते हैं, नोट नंबर 8। ये नोट नंबर 7 के सारे एक्सप्लेनेशन थे। चलिए, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, एक टॉपिक है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, पॉइंट नंबर 8। इसमें मैंने आपको समझाया था UAL और RAL स्टार्टिंग की वीडियोस में। UAL क्या होता है मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, जो कि मान लीजिए कि एक केस ऐसा है जहां पे आपका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया, उस केस में क्या होगा, आपको एग्जेम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 37। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये एक्विजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या RBI करती है तब आपको एग्जेम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 1037। अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI के अलावा अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट करती है, जो हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा आप होल्ड ऑन कीजिए या मैं यहीं पे क्लियर करता हूं फिर आगे भी बता दूंगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर या RBI ने किया है तब तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, और अगर ये यहीं पे अगर स्टेट गवर्नमेंट होता या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है या कोई लोकल अथॉरिटी होती तब आपको क्या, आपको फिर एग्जेम्पशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 में एग्जेम्पशन नहीं मिलता। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। अब एक बार वही वीडियो वही चार्ट को मैंने दोबारा रिपीट किया है जो स्टार्टिंग के वीडियो में समझा चुका हूं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को हम लोग कैपिटल एसेट ही नहीं मानते हैं, तो फिर कैपिटल एसेट ही नहीं होगा तो कैपिटल गेन भी नहीं होगा, यानी यहां पे ये इररिलेवेंट पॉइंट है, यहां पे टैक्स ही नहीं लगेगा इस पे। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को देखते हैं, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड क्योंकि ये कैपिटल एसेट होता है और आप सबको बेसिक्स पता ही है कि कैपिटल गेन अराइज होने के लिए कैपिटल एसेट होना चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए, बहुत बहुत सिंपल सी बात है जो हम लोग बार बार डिस्कशन कर चुके हैं स्टार्टिंग की वीडियोज में। सो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है और कैपिटल एसेट होता है आपको पता ही है,
सो हेंस टैक्सेबल, तो ये आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन्स में, हम सबको पता ही है। अब यहां पे जो हम पिछले पेज में देख रहे थे, एक बार फिर से मैं ला रहा हूं दोबारा। सो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 इसको मैं यहां पे समझाने जा रहा हूं, ये रहा। सो अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है तो कंपलसरी एक्वायर्ड किया अगर आरबीआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तब तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी इस सेक्शन में, सेक्शन 10 सब सेक्शन 37। इफ अक्वायर्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी अक्वायर करती है तो ये टैक्सेबल होगा, तब आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते रहिएगा वीडियो पॉज कर करके, ताकि आप इसको आप अपने नोट्स को सुरक्षित रख पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में ये आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल वीडियोज होंगे, इसकी मैं पूरी आशा करता हूं। मैंने बड़ी मेहनत से ये वीडियोज बनाए हैं। चलिए अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 54 और इस लेक्चर का पेज नंबर 10, लेक्चर 6 का नोट नंबर 9। 8 नोट हम देख चुके हैं, 9वां नोट देखते हैं। कॉम्पनसेशन रिसीव्ड इन परसुएंस ऑफ इंटरिम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इंटरिम ऑर्डर क्या होता है और फाइनल ऑर्डर क्या होता है? जैसे मान लीजिए वही श्याम वाला केस लेते हैं, श्याम ने 50 लाख रुपए से वो संतुष्ट नहीं था, उसने केस फाइल किया था और कोर्ट ने ऑर्डर दिया एंट्री ऑर्डर। एंट्री ऑर्डर मीन्स अभी वो कंसिडरेशन में ही, अभी उस पर कोर्ट विचार कर रही है, लेकिन तात्कालिक ऑर्डर दे दिया है, एंट्री ऑर्डर दिया है कि चलो भाई 60 लाख रुपए तक में इसको हम सेटल कर सकते हैं। तो हम कभी भी एंट्री ऑर्डर को फाइनल ऑर्डर नहीं मानते हैं और उस पर हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं। सो फाइनल ऑर्डर का हम वेट करते हैं। फाइनल ऑर्डर में कोर्ट ने 65 लाख रुपए का ऑर्डर दिया, 65 लाख रुपए बोला कि भैया 65 लाख रुपए अप्रोप्रिएट अमाउंट बनता है इस बंदे का, तो हम हमेशा ही फाइनल ऑर्डर का वेट करेंगे। सो 65 लाख यहां पे है, इसकी कंसिडरेशन हमें मिलेगी, यानी टैक्सेबल व्हेन फाइनल ऑर्डर कैम। यहां मैंने लिखा भी है छोटा सा स्माइली बना के कि हम फाइनल ऑर्डर का वेट करेंगे। इस पेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, या मेरी बात को ध्यान से पॉज करके दोबारा सुन लीजिएगा। ये नोट नंबर 9 था, लास्ट हम आज इस टॉपिक के नोट नंबर 10 पे आएंगे और फिर हमारा ये टॉपिक आज का खत्म हो जाएगा। चलिए, ये अगर मान लीजिए कि जो ट्रांसफरर है, जो यहां हमारे एग्जांपल में कौन है, बार बार आ रहा है मिस्टर श्याम, तो मिस्टर श्याम वाला एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, तो क्या होगा? अगर ट्रांसफरर की, जिसको वो कॉम्पेंसेशन मिलने वाला था, एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन, उसकी डेथ हो जाए तो क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। इट इज पॉसिबल दैट ट्रांसफरर मे डाई, ये पॉसिबल है कि श्याम या फिर जो भी ट्रांसफरर है उसकी मृत्यु हो सकती है। तो जो भी बंदा उस कॉम्पनसेशन को रिसीव करेगा, उस इनहांस्ड कॉम्पनसेशन को या उस एडिशनल कॉम्पनसेशन को जो भी रिसीव करेगा, इनहांस्ड या एडिशनल कॉम्पनसेशन को जो भी बंदा रिसीव करेगा, विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर, या जिस भी लीगल हेयर या फिर जिस भी बंदे के हाथ में टैक्सेबल होगा, उसके हाथ में ये कॉम्पनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। थोड़ा मैंने कंफ्यूज कर दिया आपको, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। जिस बंदे के हाथ में, जो भी उसका लीगल हेयर होगा मरने के बाद, जो भी बंदा इस अमाउंट को रिसीव करेगा, जो भी उसका लीगल हेयर होगा, जो भी उसका वारिस होगा, उसके हाथ में ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। सर ये बहुत आसान पॉइंट था, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा मैंने बोलने में भी गलती कर दी थी। चलिए, आज का थ्योरी बहुत हो गया, मैंने शुरू में ही बताया था। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 7 में। लेक्चर 6 आज के लिए यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।